खुद बैठे हुए हैं, सबके चैनल हैं, सबके फॉलोअर्स हैं, सबके ब्लॉग। अगर मैं बात करूं व्यूज, इन सबसे तो ज्यादा आने वाले व्यूज है। किसी मुद्दे से भटकना नहीं है, अनावश्यक कोई बयान किसी को नहीं देना। वो भी है, अभी हमको जरूरत है तो अगर मीडिया को कुछ भी रिपोर्ट करना है, कुछ भी शूट करना है, तो पीछे सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हुए हमारे साथ बच्चा भी बता देगा। कोई भी साथी यहाँ पर बजाना दे रहे, वो अध्यापकों का मंच है, अध्यापक इसमें शामिल है और अध्यापकों की एकता जिंदाबाद। छात्र अध्यापक एकता, जब हम आज बैठे तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ निष्कर्ष निकला या नहीं निकला। आज हम यहाँ बैठ करके किस निष्कर्ष पर पहुंचे, आपने देखा भर्ती बोर्ड के अधिकारी यहाँ तक चल के आए। अगर आप यहाँ आप लोगों के लिए हाथ मिलाया है और ये हाथ मिलाया है तो याद रख लेना, इस मजबूत बंधन को कभी कमजोर मत होने देना। और इसी तरह आज रात जब प्रयास किए जाए कि आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, उसी तरह से लोग हाथ से हाथ मिलाकर रहेंगे। एक बार मैं सारे साथियों से आ चुके हैं सब लोग, एक बार अमृत शर्मा और सामने आए और एक बार हम लोग अपने हाथ से हाथ मिलाएंगे। एक बार सारे लोग एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर बताए तुम चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है। इसका मोल तब है अगर तुम ताकत से री एग्जाम करवा पाए तो हम जानते हैं कि हम तो ये मानेंगे कि आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हो। आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई, आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई कि बच्चे आपके सपनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आपके सरे आम नकल माफियाओं के द्वारा लूटा गया है और क्या आप इतने कमजोर है कि एक सरे आम लूट अपने साथ हो जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक सरे आम लूट अपने साथ हो जाने दोगे तो इस प्रदेश की व्यवस्था के लायक भी प्राप्त नहीं। और अगर अंतिम पत्ता भी यहाँ मौजूद रहे, अंतिम बाजू का कण भी यहाँ मौजूद रहे, तो किसी ने कथन कहा था कि इस देश की बालू के कण से इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। आपकी मांग जायज है, आप घबराना मत। अगर आपको खदेड़ भी दिया जाए ना तो एक छात्र आगे बैठ जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक आवाज पर इस प्रदेश के इतने इससे कई गुना छात्र फिर बैठेंगे, महीने वर्षों तक बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, लगातार आवाज उठती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हर अंतिम रास्ते पर विचार किया जाएगा। सारे साथी प्लीज बैठ जाओ। ये लोग जो खड़े हैं ये कहते हैं कि हमारी आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हारे लिए मैंने कहा जो बैठे मतलब नहीं है। री एग्जाम की एक बात चलनी चाहिए और किसी भी गुरुजन को यह ना कहना पड़े कि बैठ जाइए। ये आपका मुद्दा भटकाने वाले लोग हो सकते हैं, ये बेवजह यहां पर इन लोगों को लगता होगा कोई तमाशा है, इन लोगों को लगता होगा कि यह भीड़ नहीं है, ये लाखों करोड़ों घरों के जज्बात हैं जो कुचल दिए गए। आपको इन बैठे साथियों के शायद दिल का दर्द यहां आंखों में ना दिखाई दे, क्योंकि ये आंखें रात को जाग जाग के पढ़ पढ़ के सूख चुकी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारे लोग यहां आपको बहुत तरह की राय इंडिविजुअली एकल रूप से आपके कान में दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। दोस्त, मैं हाथ उठाऊं तो आप सबके दोनों हाथ उठने चाहिए,
री एग्जाम और अगर एक छात्र शक्ति और उसके साथ में आपके साथी, आपके भाई, आपके सारे अध्यापक जिन्होंने आपकी तरह नींदें गवाई हैं, जो सपना आपने देखा वो सपना हमने भी देखा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।